हेलो एंड अ वेरी वेलकम टू शिक्षा सो मैंगो के बारे में हम पढ़ रहे थे और पार्ट वन ऑलरेडी कर चुके हैं ये पार्ट टू है पार्ट के अंदर बेसिकली हमने देखा था मैंगो का ओरिजिन नेटिव प्लेस न्यूट्रिशन एंड एशियंट लिंक जो है ट्रेडिशंस के साथ इंडिया जैसी कंट्री के अंदर उसको हमने समझा था न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट हमने समझा था कि कैसे जो मैंगो है और मैंगो के अंदर जो वेरियस कंपाउंड्स हैं दे आर

या नबार्ड की भी बात करें नबार्ड ए के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है सो विल बी डिस्कसिंग दैट टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो एमसीक्यू विडियो एमसी की आपके पास लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है यू कैन ऑल ट्राई दैट काफी लो uh, प्राइसेस पे आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाता है चलिए तो मैंगो हाइब्रिड्स के ऊपर आ जाएं फटाफट से अब देखो जो पहला मैंगो हाइब्रिड रिलीज किया गया था इंडिया के अंदर दैट वाज फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज 1951 के अंदर ठीक है लेकिन जो लार्ज स्केल मल्टीप्लीकेशन एंड प्लांटेशन ऑफ हाइब्रिड शुरू हुआ ना वो हुआ था मलिका और अमरापली डेवलप होने के बाद और ये दो वेराइटी कहां पर डेवलप हुई थी ये हुई थी आई ए आर आई न्यू डेली के अंदर सेवनटीज के अंदर ठीक है के के टाइम अंदर देखो जैसे क्वेश्चन कई बार इस तरीके से भी आ जाते हैं कि यार पहला मैंगो हाइब्रिड जो है वो कहां से रिलीज हुआ था ठीक है एगरी, बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर 1951 के अंदर और अमरापली और मलिका 1970s में जो आई दिल्ली ने रिलीज किए उसके बाद से हाइब्रिड्स का एक तरीके से चलन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर मैंगो में शुरू हो गया अब अगर मैं आई न्यू दिल्ली की बात करूं तो काफी आ, मैंगो हाइब्रिड जिन्होंने डेवलप किए हैं जिसके अंदर आपका मलिका आ जाता है विच इज फ्रॉम नीलम एंड दशहरी ये आपने जरूर याद रखना है ठीक है ये आपने जरूर याद रखना है अच्छा और हाइब्रिड के अंदर ऐसा नहीं होता कि मलिका को आप नीलम एंड दशेरी एंड दशेरी एंड नीलम आर टू सेम थिंग्स नो दे विल कंप्लीटली बिकम डिफरेंट ओके तो ऑर्डर आपने याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अब, अब देखो मलिका बन रहा है नीलम एंड दशहरी से अमरापली बन रहा है दशहरी एंड नीलम के क्रॉस ब्रिड से तो ये चीज का ध्यान में रखना है पूसा पिताम्बर अमरापली एंड लाल सुंदरी पूसा अरुणिमा अमरापली एंड सेंसेशन पूसा प्रतिभा अमरापली एंड सेंसेशन पूसा श्रेष्ठ था यह भी अमरापली एंड सेंसेशन बेसिकली इसके अंदर ना आप कहोगे कि सर ये तीनों वेराइटीज अमरापली एंड सेंसेशन से बन रही हैं तो तीनों के अलग अलग नाम क्यों इसके अंदर बेसिकली जब हम हाइब्रिड डेवलप करते हैं ना तो जीन्स का खेल होता है सारे का सारा ठीक है सो उसके अंदर अगर आप कुछ चेंजेस लेकर के आ रहे हो दो सेम स्पीशीज को यूज करते हुए भी तो आप ऑल टूगेदर डिफरेंट ब्रीड को डेवलप कर सकते हो पूसा लालिमा ये दशहरी और सेंसेशन का है पूसा मनोहरी ये अमरापली और लाल सुंदरी का है ये नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आज कम से कम मैं आपको 30 से 40 मैंगो के हाइब्रिड्स की वेराइटीज यहां पर दे दूंगा वो अगर आपकी याद हो गई तो आप समझ लो आपका एक क्वेश्चन तो निकल ही गया अमरापली एक काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है जैसे कि अभी हमने पीछे भी देखा था कि डेली आई ने जब इसको नाइनटीन में डेवलप किया उसके बाद हाइब्रिड्स का ग्रोथ काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ एक तो रेगुलर है रेगुलरली आपको फ्रूट्स देगा परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहती है जहां पर अच्छी ह्यूमिडिटी हो कोस्टल एरियाज में इसीलिए इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है जैसे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जहां पर आपकी ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली जो है वो हाइयर होती है काफी पॉपुलर वेराइटी बन चुका है लोग इसको अपने किचन्स के अंदर किचन गार्डन्स जो होते हैं घर के बाहर छोटे गार्डन्स होते हैं उसके अंदर भी इसको ग्रो करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग ऑर्किड है आप इसको डिफरेंट सब ट्रॉपिक्स के अंदर कंट्री में ग्रो कर सकते हो ठीक है और हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसको काफी ज्यादा यूज किया गया अभी आपने देखे पीछे जितने भी हाइब्रिड्स थे अमरापली का कितना ज्यादा यूज उसके अंदर हुआ है ओके okay, और जो अमरापली से हाइब्रिड्स डेवलप होते हैं उनका फायदा ये होता है कि उनकी एडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर और ये जो फ्रूट है अमरापली का इसके अंदर आपका कैरेटेनॉइड कंटेंट भी काफी हाई होता है तो ये डायरेक्ट पॉइंट्स है हर पॉइंट के अंदर आपका एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है बस आपने ध्यान में रखने याद रखने हैं उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जी जो हाइब्रिड्स आपके आईसीएर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु ने डेवलप किए हैं अभी हमने पीछे जो हाइब्रिड्स देखे थे वो आई ने डेवलप किए हैं अब क्वेश्चन वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सा वैरायटी किसने डेवलप किया है ठीक है ये भी याद रखना है तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च में सबसे पहले अर्का अनमोल आ गया जो अल्फों और जनार्दन पसंद का एक हाइब्रिड है उसके बाद अर्का अरुणा ये बांगनापल्ली और अल्फॉन्जो का हाइब्रिड है, है अर्का नील किरण ये और नीलम का हाइब्रिड है अर् पुनीत ये ऑल्फों और बांगनापल्ली का हाइब्रिड है तो ये भी आपने याद रखना उसके बाद अर्का उदया अमरापल्ली और अर्का अनमोल का हाइब्रिड है 2015 के अंदर इसको रिलीज किया गया था वन ऑफ द लेटेस्ट वराइटीज है पल्प इसका काफी अच्छा होता है येलो होता है डीप येलो कलर होता है एस कंटेंट भी इसके अंदर काफी हाई होता है कमेंट करके मुझे बताएंगे टी क्या होता है मैंने अपनी पहली भी वीडियो उसके अंदर काफी बार डिस्कस किया है अब कमेंट करके आप बताएंगे क्वालिटी इसकी काफी अच्छी होती है और उसके बाद अर्का सुप्रभात इसको भी अभी रिसेंटली डेवलप किया गया था अमरापली और अरका अनमोल तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाए उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जी आपका जो वेराइटीज इंपॉर्टेंट वेराइटीज सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ ने डेवलप की हैं सो so, इसके अंदर सबसे पहले आ जाती है अंबिका जो अमरापली और जनार्दन पसंद का एक हाइब्रिड है 2000 के अंदर इसको डेवलप किया था एक रेगुलर फ्रूट बियरिंग वेराइटी है ठीक है अगर आप इसको लेट शोइंग भी कर रहे हैं तब भी आपको अच्छा फ्रूट देगी ब्राइट येलो कलर होता है और डार्क रेड रेड ब्लश इसके अंदर आपको मिलेगा डार्क रेड सा शेड इसके अंदर मिलेगा आपको ठीक है फाइबर इसके अंदर कंपैरेटिवली कम होता है 300 से साढ़े तीन ग्राम का एक फ्रूट का जो है वेट इसके अंदर रहता है उसके बाद जी लखनऊ में अरुणिका जिस जो अमरापली और वनराज से डेवलप हुआ है ये 2008 में डेवलप किया गया था इसकी कैनोपी डॉर्फ होती है कंपैरेटिव टू अदर ट्रीज रेगुलर बियरिंग है और रेड कलर का इसका पील होता है फ्रूट काफी स्मूथ होता है ऑरेंज येलो कलर होगा विद रेडिश शेड मीडियम साइज का होता है ठीक है ओवल शेप होता है पल्प ऑरेंज येलो एंड फाइबर इसके अंदर आपको मिलेगा अच्छा खासा और सिक्सटी इसके अंदर आपको पल्प मिलेगा फ्रूट का कलर काफी अट्रैक्टिव है तो इंटरनल और एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए काफी अच्छा इसको कंसिडर किया जाता है और एडेप्टेबिलिटी भी अच्छी है डिफरेंट ट्रॉपिक्स के अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हो सब ट्रॉपिक्स के अंदर जहां पर क्लाइमेट ज्यादा ड्राई नहीं है ठीक है और इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है तो आप डिफरेंट एरियाज में इसको ग्रो कर सकते हो उसके बाद जी रीजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है आपका वेंगुरुल में वहां पर भी कुछ वेराइटीज डेवलप हुई जैसे कि रत्ना जो नीलम और अल्फॉन्जो से बना 1981 के अंदर रेगुलर फ्रूट बेयरिंग है मीडियम है ऑरेंज कलर पल्प है स्पॉन्जी टिश्यूज नहीं होंगे इसके अंदर एंड फाइबर भी इसके अंदर काफी कम रहता है सिंधु जो रत्ना और अल्फोंजो से बना है ये क्लस्टर्स के अंदर फ्रूट देगा आपको एंड सीडलेस फ्रूट रहेगा जिसके अंदर काफी हल्का छोटा स्टोन होता है गुठली जिसको आप बोलते हो उसके बाद और जो वेराइटीज इस स्टेशन के ऊपर डेवलप हुई है उसके अंदर जो नीलम और नीलम कोंकन राजा बेंगलोरा और हिमायुद्दीन से बना है कोंकन सम्राट अल्फोंजो और, और, और टॉमी एटकिंस से बना है जो वेंगुरेल के अंदर डेवलप किए गए हैं देन देर इज अग्रीकल्चर एक्सप्री पेरिमेंट स्टेशन जो नवसारी परिया के अंदर है यहाँ पर आपका नी, नीलेशान गुजरात जो नीलम और बानिशान से डेवलप किया गया है नीलेश्वरी नीलम और दशहरी से डेवलप किया गया है नील नीलफों नीलम और अल्फोंजो से डेवलप किया गया है और सोनपरी अल्फोंजो और बानिशान से डेवलप किया गया है तो ये देखो ये जितनी भी वेराइटी देख रहे हैं ना ये हर एक क्वेश्चन है ये हर एक पोटेंशियल क्वेश्चन है आपके सामने तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कम से कम आज के इस लेक्चर से आपके निकल करके आपके सामने आएंगे उसके बाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रभाशंकर डेवलप हुआ जो बॉम्बे और कलापंडी से डेवलप किया गया था 1951 में ये पहला मैंगो हाइब्रिड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज़ द फर्स्ट मैंगो हाइब्रिड डेवलप्ड इन इंडिया तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रभाशंकर और ये प्रभाशंकर किससे बना बॉम्बे और कलापंडी से ये याद रख लेना बहुत अच्छे से अल्फजली भी आपका बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ है अल्फोंजो और फजली से सुंदर लंगड़ा ये लंगड़ा और सुंदर प्रसन्न से डेवलप किया गया नाइनटीन के अंदर सबरी ये गुलाब खास और बंबई से डेवलप किया गया है इसके अंदर रेड पील होता है और रेडी शेलो पल्प होता है उसके बाद ज्वाहर ज्वाहर आपका गुलाब खास और महमूद बहार से डेवलप किया गया है मिड सीजन कल्टीवार है ग्रीनिशलो इसके अंदर आपको इसका कलर दिखेगा और टेस्ट जो है वो स्वीट होता है मीठेपन पे होता है चलिए उसके बाद हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन है आपका एक पेरिया में वहां पर आपका पीके वन जो चीना सुवर्णरेखा और नीलम से डेवलप हुआ है पीके टू नीलम और मुलगोवा से डेवलप हुआ है ये दोनों जो पीके वन और पीके टू है रेगुलर बियरिंग फ्रूट्स हैं और गुड क्वालिटी फ्रूट्स देते हैं क्लस्टर के अंदर उसके बाद आपका एक महात्मा फुल्ले कृषि विद्यापीठ है रहोरी के अंदर यहाँ पर आपका साई सुगंधा जो तोतापुरी और केसर का एक हाइब्रिड है वो रिलीज किया गया था इस इंस्टीट्यूट के द्वारा 1998 के अंदर ठीक है दोस्तों तो ये हमारे सारे मैंगो हाइब्रिड्स हैं जो हमें डिस्कस करने करने थे और काफी और काफी रिच कंटेंट मिनिमम टाइम में आपको प्रोवाइड की कोशिश की है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया है ताकि आप फटाफट फटाफट इसको देख लो और खत्म करो ठीक है जितना हो सके वीडियो को बार बार सुनो इसको ये वीडियो तो आप अपने YouTube के अंदर इसको सेव करके रख लो डाउनलोड करके रख लो ठीक है ताकि कहीं ट्रैवल कर रहे हो कहीं मेट्रो में आ रहे हो ट्रेन में आ रहे जा रहे हो गाड़ी में कहीं आ रहे जा रहे हो फ्री बैठे हो कहीं पर ठीक है घर वाले जबरदस्ती कहीं शॉपिंग पे ले गए हैं तो अल्टीमेटली इसको कानों में लगाओ और सुनते रहो सुनते सुनते ही चीजें याद हो जाती हैं आदि ठीक है जी चलिए मिलेंगे पार्ट थ्री के लिए एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय